is Isha Malviya. Hope you guys are doing well and welcome to my YouTube channel Isha Malviya Vlogs. So from now onwards आप मेरे सारे new vlogs सारे updates इसी channel पे देखोगे. Even the short videos, I mean YouTube shorts, वो भी आप इसी channel पे देखोगे. तो please do not forget to subscribe और bell icon पे भी click कर दो जिससे कि मेरे new update के बारे में आप लोगों को पता रहे. कैसे जाऊँ मैं बाहर इतनी धूप में? बहुत धूप है चंडीगढ़ में. हर जगह बारिश हो चुकी है, हर जगह थोड़ा सा ठंडा मौसम है, बट चंडीगढ़ में तो बहुत गर्मी है गाइस, इट्स सुपर हॉट हियर. लेकिन आज मेरा ऑफ है इसलिए मैं चिल कर रही हूँ. मैंने सोचा कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं एंड व्लॉग बना लेती हूँ मैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई टेल यू द टॉपिक ऑफ माई व्लॉग. इट इज अबाउट फैशन. तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो आपने देखा होगा कि यूजुअली मैं जो पेयर्स पहनती हूँ वो कभी भी मैं एक से पहनना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो एक सा ड्रेस होता है या एक सा कोई कोट सेट होता है वो बहुत इजीली ऑनलाइन साइट्स पे मिल जाता है और फिर आप खुद तो पहनते ही हो, दूसरों को भी देखते हो कि उन्होंने भी सेम पहना होता है, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी कॉमन. हम अभी जाएंगे, हम डिफरेंट मार्केट विजिट करेंगे, मिक्स एंड मैच करके एक पूरा आउटफिट तैयार करेंगे और उसके बाद मैं वो आउटफिट आपको पहन के दिखाऊंगी एंड कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है. अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई है फॉर शॉपिंग तो आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज करना, क्योंकि काफी कॉमन हो जाता है फिर आप अगर ऐसे सेम पहनते हो. तो लेट्स ट्राई समथिंग, लेट्स गो. तो अभी मम्मा भी आई गेस रेडी हो ही गई है. मैं हर जगह मम्मा के साथ ही जाती हूँ, पार्टीज भी मम्मा के साथ जाती हूँ, शॉपिंग भी, सेट पे भी. मैं नहीं रह सकती भाई अकेले. तो आई विश कि मेरे पापा भी मेरे साथ रहते बट उनके जॉब की वजह से वो होम टाउन में ही है अभी. तो अभी हम लोग चलते हैं. आ गई है हमारी कैब. लेट्स गो. हम लोग निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे शॉपिंग करने. थोड़ा सा गुस्सा है माँ, क्योंकि मैंने कल इन्हें कहा था, शी वाज सेइंग कि हम लोग शाम में चलेंगे, बट आई टोल्ड हर कि नहीं आप जल्दी उठना, हम लोग जाएंगे, हम 12 बजे निकल जाएंगे, ये है वो है. एंड आई वोक अप एट 3 गाइज, कैन यू इमेजिन. मैं 3 बजे सोकर उठी हूँ दिन में और अभी 5 बज रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं. तो अरे थोड़ी रोड खराब है, असुविधा के लिए खेत है. तो ये मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, इवन मुझे पता भी नहीं होता है कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है, मेरी कबर्ड में क्या है क्या नहीं है, यही सब कुछ सेट करती है माता मेरी. कैब वाले भैया मुझे बार बार देख रहे हैं, पता नहीं शायद शो देखते हैं. मैं इनको पूछती हूँ और सच में मैं इनको भी कैमरा इनकी तरफ पैन करके पूछूंगी. अगर देखते होंगे फिर तो ठीक है, अगर नहीं देखते होंगे तो साबित हो जाएगा कि मैं इतनी भी कोई फेमस नहीं. भैया आप वो कलर्स पे शो आता है ना उडारिया, वो देखते हो? हाँ, वाइफ देखती है आपकी, मुझे नहीं जानते आप. जैसा कि मैंने कहा था, इससे क्या साबित हुआ कि इतनी भी कोई फेमस नहीं. हेलो गाइस, पहुंच तो हम लोग गए हैं बट एज यूजुअल पहुंचते ही बहुत भूख लग रही है. हमारे साथ हमेशा ये होता है, पहुंचते हैं सोचते हैं पहले कुछ खरीदेंगे फिर खाएंगे, बट भूख बहुत लग रही है. तो मोहाली में बहुत ही फेमस एक जगह है 3B2, जो यहाँ रहता है उन्हें पता होगा, इट्स इन मोहाली. तो यहाँ का एक फेमस जूस सेंटर है पीछे, तो हम दोनों पहले जूस पियेंगे, उसके बाद हम अपने फेवरेट कैफे जाएंगे हमारी फेवरेट एप्पल पाई खाने, उसके बाद हम शॉपिंग शुरू करेंगे, या तो एप्पल पाई बाद में भी खा सकते हैं, पहले जूस ही पी लेते हैं, लेट्स गो. जो मेरा तो यहाँ वाला जूस फेवरेट है, क्योंकि ये उस क्या कहते हैं यार उसको, वो छान के नहीं देते, मतलब पल्प इसके अंदर ही होते हैं. दिखाना पल्प. वाओ मम्मी वाओ, दिखाएं कैसे. यहाँ पे आप आगे आगे चलते जाओगे 3B2 में तो फॉरएवर शॉप आएगी. मैं अपनी हील्स यहीं से लेना प्रेफर करती हूँ. लेट्स गो इनसाइड.
इनकी हील्स बहुत कंफर्टेबल होती है। हमारा हील्स खरीदने का कोई प्लान नहीं था, ना ही शूज़ खरीदने का कोई प्लान था, बट फॉर एवर जो शॉप मैंने आपको बोली है ना, उस पर 40% ऑफ चल रहा है भाई, 50% ऑफ। मुझे तो बहुत पसंद है यार ऑफ वाली चीज़, सर क्यों ना खरीदे, इट्स नॉर्मल। अगर आपको कोई चीज़ आधे रेट पे मिल रही है, यू शुड डेफिनेटली बाय इट, एंड स्पेशली व्हेन यू लाइक द प्रोडक्ट। मुझे कहती है अरे व्लॉग बाद में बना लेना, पहले रोड क्रॉस कर ले। इनको रोड क्रॉस करने में इतना डर लगता है, जबकि कितनी सिंपल सी चीज है। घंटे खड़े रहूंगी, ये घंटा खड़ी हो जाएंगे वहाँ पे, लेकिन ये अकेले रोड क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब क्रेजी भाई। और हम जिस हील की शॉप पे गए थे वहाँ 50% ऑफ तो था, बट चॉइसेस नहीं थी। भाई आई एम नॉट शॉपाहोलिक एट ऑल, क्योंकि मुझे ना एक तो मुझे मैं आधा थक जाती हूँ घूमते घूमते, इतना जो चलने का प्रोसेस होता है ना, आई कांट अफोर्ड दैट। और इनको वही पसंद है, मैं जब तक खाना पीना खाती होती हूँ ना, मतलब जब तक मैं कुछ खाती रहती हूँ अपनी फेवरेट चीज़ें, तब तक तो मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा घूमना जाता है और फिर अलग अलग शॉपिंग भी करते रहो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब हम जाएंगे क्या, तो जो भी मुझसे शादी करेगा वो बहुत खुश रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी शॉपिंग को लेके। इस आज के दिन का सबसे बड़ा चीज जिन भी लोगों का ये फेवरेट नहीं है, आप कुछ मत भाई, ये किसी को कैसे नहीं हो सकता फेवरेट, कितना अच्छा लगता है। आपको अगर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो लोग बोलते हैं ये क्या खा रही है, कॉटन कैंडी, हाँ मैं खाती हूँ। गाइस यार मुझे इतनी पसंद है मेहंदी, मुझे इतना पसंद है मेहंदी लगवाना, लेकिन शो में वो कंटिन्यूटी सीन्स की वजह से मैं नहीं लगवा सकती, नहीं तो मैं पक्का लगवा लेती। भैया मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, मेरी शादी के आपसे ही लगवाऊँगी। तो मैं आ चुकी हूँ ऑन शबीनास, और अब हम लोग बनाएंगे सेट्स, मैं आपको दिखाती जाऊँगी, मैं ट्राई भी करूँगी, और मुझे ट्राई करना सबसे बोरिंग काम लगता है, जिनकी शॉप है उन्हीं के आगे बोली जा रही हूँ। बिना गाने चलाए रह नहीं सकते इस दुकान वाले लोग, मैं इनको बार बार बोल के सॉन्ग्स बंद करवा रही हूँ कि कॉपीराइट लग जाएगा, मैं व्लॉग बना रही हूँ। आपको पता है मैं हमेशा बॉयज वाले कपड़े खरीदती हूँ। तो ये टी शर्ट है जिसको मैं सोलो पहनूंगी और नीचे शॉर्ट्स पहनूंगी। आप कभी भी टी शर्ट स्मॉल साइज या मीडियम साइज का मत लेना, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज ही लेना, लड़कियाँ स्पेशली, अगर आपको थोड़ा बैगी लुक में कोई कपड़ा चाहिए तो। इस पे टैडी बना है, ये है मेरा फर्स्ट पेयर। और शूज मुझे पसंद आया, बट उसमें मेरा साइज नहीं है, तो मैंने खुद वाले शूज पहने जो मैं घर से पहन कर आई हूँ। उसके बाद मैंने इस पर ब्लैक शॉर्ट्स ट्राई किया था, बट ऑल ओवर फिर वो डार्क हो रहा था, सो आई ट्राइड जो मैं घर से पहन के आई हूँ वो वाइट शॉर्ट्स। और ये जो बैगी सी टी शर्ट है ये मैंने लिया, आप देख सकते हो बहुत लूज है, ये लार्ज साइज है, मैंने लार्ज साइज लिया है और इसे ऐसे कैरी किया। और ये डायर का बैग ऐसे मैंने कैरी कर लिया। और ये शेड्स जिस पे वाइट बॉर्डर है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वाइट का टच है शॉर्ट्स में और टी शर्ट में भी। तो ये बन गया हमारा एक पैर, वही टी शर्ट तो मुझे बहुत ही सेक्सी लग रही है, तो आई एम बाइंग दिस वन, बहुत अच्छी लग रही है, लुक भी इसका बहुत कूल आ रहा है। दिस इज़ माई सेकेंड आउटफिट और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा, मतलब मुझे पर्सनली बहुत क्यूट लगा, लेकिन इससे आप कैजुअली मार्केट वेयर करके नहीं जा सकते, बिकॉज टॉप थोड़ा सा ऐसा है लाइक इट्स ऑल्टर नेक, सो ऑब्वियसली हम मार्केट में कम्फर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये आपकी ब्रंच डेट का कॉस्ट्यूम या आउटफिट हो सकता है मे बी। मुझे ये जॉगर्स बहुत अच्छी लगी, टॉप का भी इट इज़ नॉट फाइनलाइज, बट जॉगर्स तो मैं डेफिनेटली लूँगी ही लूँगी, क्योंकि और आपको पता है ये बॉयज़ की है।
गाइस तो ये है मेरा थर्ड आउटफिट। यहाँ पे जितने भी लोग सोचेंगे क्या कर रही है तब से वीडियो ही बना रही है। तो ये मेरा थर्ड आउटफिट है। ये मैंने उन लोगों के लिए भी पहना है जिनको बैगी क्लोथ्स बहुत पसंद है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बैगी टी शर्ट वाइट, और इस पर टेडी बेयर भी बना है। टेडी बेयर बना है मुझे इसलिए भी पसंद है, प्लस मैंने इसके साथ ब्लैक शॉर्ट्स पहना है और ये वाले शूज़ कैरी किए हैं। शूज़ भी मुझे पसंद आए गए हैं, आई थिंक मुझे ले लेने चाहिए। और ये शेड्स है, इसका शेप थोड़ा अलग सा है, तो लेट्स सी। मम्मा बताओ कैसा लग रहा है? नाइस। सो दिस इज माई नेक्स्ट आउटफिट। मुझे ये टॉप आई गेस यहाँ कहीं पे हैंग था, मुझे नॉर्मली अच्छा लगा। दिस इज़ अ वाइट स्पेगेटी, जस्ट सी, ये वाइट स्पेगेटी है। और जैकेट आई थिंक थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है समर के अकॉर्डिंग, तो ये आउटफिट आप लंदन लुक में कैरी कर सकते हो। स्कर्ट इज़ वेरी नाइस, इसे हम किसी दूसरे टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि जैकेट के लिए तो अभी क्लाइमेट बहुत ही गर्म है। और उसके साथ मुझे ये वाले शेड्स अच्छे लगे हैं। और बैग, टॉट बैग मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे डेली लाइफ में भी, इवन पार्टीज़ में, नहीं पार्टीज़ में नहीं, पार्टीज़ में स्लिंग और डेली लाइफ में मुझे टॉट बैग्स ही पसंद है। इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग आई वुड प्रेफर, ऑलवेज प्रेफर टॉट बैग्स। दिस इज माई नेक्स्ट आउटफिट। ये मैंने शूज़ यही पहने हुए हैं बिकॉज मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे पूरे ब्लैक के साथ ब्लैक शूज़। तो ये है टी शर्ट जिसके नीचे मैंने शॉर्ट्स पहनना भी ज़रूर, मतलब मैंने पहने हैं ऐसे तो, बट दिखाना नहीं ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे ये सोलो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैंने मेरा वाला ही बैग लिया है एलवी प्रिंट, तो आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है ट्राई करने से, ये सब मिलके, अरे आप ऐसे कैसे पता लगेगा, ट्राई करके आओ तभी तो समझ आएगा, ट्राई करके आओ तभी तो समझ। थक गई मैं ट्राई कर करके, और फाइनली मेरी शॉपिंग पूरी हुई है। मैंने अलग 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 पेयर्स बना के कपड़े ले लिए हैं, और मैंने वो लेदर वाला छोड़ दिया, बाकी सारे मैंने ले लिए हैं। कोई इतनी ज़्यादा भूख लग रही है आओ खाना। मुझे बर्तन की दुकानों पर लेकर आई, इनको हैंगर खरीदने, तो अब हैंगर खरीद रहे हैं। पता नहीं मैं कब घर जाऊँगी, कब देखूँगी खुद का शो। मैं देखती हूँ वैसे बूट पे, आज देखा। मेरी मम्मा ने मुझे यहीं पर डांट लगानी शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो वाटर बॉटल्स रखे होते हैं ना लाइन में, मैं उनको देख रही थी और मैं हटा रही थी वाटर बॉटल, धड़ 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 5-6 वाटर बॉटल्स नीचे गिर गए और सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा सॉरी। इतने सारे टॉयज, मुझे तो अभी भी बहुत शौक है, बहुत कुछ है। यहाँ पे स्टिकर वाली बुक्स भी है, बहुत कुछ है, और ब्लॉक्स भी है, और स्लाइम स्लाइम वो जो सैटिस्फाइंग वीडियोस में होता है ना, जिससे आवाज़ आती है, टिक 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 टिक, वो भी है। और हेडफोन्स वगैरह भी है, वाटर बॉटल्स जो अभी अभी मैंने गिराई थी वो भी है यहाँ पे। वाओ ये क्या है, इतना यूनिक सा। हो चुकी है शॉपिंग, और अगेन हम लोग हमारी जूस की फेवरेट शॉप पे आए, जूस पी लिया हमने, अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। गाइज आई एम बैक होम, खा पी के शॉपिंग करके सब कुछ करके। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो ऑफ मेकिंग सेट्स, तो आप इसको यूज करके देखना। अगर आप मेरे इस ब्लॉग पे प्यार दिखाओगे, देन आई विल फॉर श्योर पोस्ट द नेक्स्ट ब्लॉग सुपर 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 सून फॉर यू ऑल। और प्लीज मुझे टेक्स्ट करके बताना इंस्टाग्राम पे कि आपको मेरा अगला ब्लॉग कौन से टॉपिक पे चाहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। थैंक यू।